यार भाई लोग कैसे हो सब लोग अच्छे अंगड़ भाई। आज हम नागराज के मूवी के बारे में बात करेंगे। तो यार बिना देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ओके। तो यार भाई लोग, जैसे कि आप सब में ऐसे भी है जिनको शायद ये पता होगा, नागराज की फिल्म आने वाला है। ये वाला नागराज नहीं, ये वाला नागराज। तो शायद आप में से कुछ बंदे जानते होंगे कि ये कैरेक्टर कौन है, शायद कुछ लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। ये कैरेक्टर मार्वल या फिर डीसी के कैरेक्टर जैसा इतना फेमस नहीं है, पर आप लोग ये इतना जान लो, ये एक इंडियन सुपर हीरो है। इंडियन सुपर हीरो का नाम आता है तब हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? बालवीर, है ना? अबे साले, तभी माफ करना, गुस्से में इधर-उधर। आई मीन शक्तिमान, और ज्यादा से ज्यादा क्रिस या फिर रावण। अबे तू फ्लाइंग जेट को भूल गया। अबे साले, शक्तिमान के बारे में तो सभी को पता है, क्रिस और रावण याद क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर मूवी आ चुका है ना? रिसेंटली राज कॉमिक्स के गुप्ता ने बोला है नागराज के कास्ट के लिए वो लोग रणवीर को हायर कर सकते हैं, और इस फिल्म का प्रोड्यूसर शायद करण जौहर होगा। अब ये राज कॉमिक्स का है, तो राज कॉमिक्स एक इंडिया का कॉमिक्स पब्लिशर कंपनी है। इसी कंपनी का कैरेक्टर है नागराज, और इस कंपनी ने सिर्फ नागराज नहीं, योगा, कमंडर ध्रुव, शक्ति, भीरिया, ये सब कैरेक्टर्स बनाए हैं। और भलक मनोज गुप्ता सर जी ने ये भी कहा है कि ये मूवी 2022 तक में देखने को मिल जाएगा। मुझे पता है कि ये मूवी बहुत ही लेट आने वाला है। अगर मूवी हिट गया, आगे जाके हमें और भी इंडियन सुपर हीरो कैरेक्टर्स का मूवी देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे मार्वल और डीसी के जैसा इंडिया में भी एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन जाएगा। हाँ, मुझे पता है भाई लोग कि ये मूवी शायद मार्वल या फिर डीसी लेवल का मूवी शायद बन नहीं सकता, फिर अगर बना भी दे तो शायद उतना टेंशन इस मूवी को मिल नहीं सकता, क्योंकि ये कैरेक्टर वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं है। बाकी अगर ये मूवी अच्छा बना और हिट चला गया तो शायद ये सिनेमेटिक यूनिवर्स आने वाले फ्यूचर में मार्वल और डीसी को भी टक्कर देने लगे। और जैसा कि आयरन मैन का कैरेक्टर मुके बाद ही इतना ज्यादा फेमस हुआ था, वैसे ही नागराज का कैरेक्टर इस मूवी के बाद फेमस भी हो जाए। सकता है यार, अब फ्यूचर कौन देख सकते हैं, ऐसे ही हो। ये तो क्या मूवी के बारे में छोटा सा डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये नागराज है कौन। तो यार देखो भाई लोग, नागराज की कहानी बहुत ही पुराने टाइम का है। जब नागराज का जन्म हुआ था तब उनके परिवार वाले उसको मरा हुआ समझ बैठे, उसको नदी में ही बहा दिया। जिसके बाद प्रोफेसर नागमणि नाम के एक बंदे ने नदी से उसको उठाया, उसको बड़ा करने लगा। आगे जाके ये अपने पावर से बुराई के खिलाफ लड़ा। बता दो, कॉमिक्स में नागराज कोई आम आदमी नहीं है। ये नाम सुन के तुम ये समझ सकते हो ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसके पास नाग के पावर्स है। इसके अलावा भी इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, सुपर रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड और भी कुछ सुपर पावर्स इसके पास है। इसका सबसे खतरनाक पावर्स है इसका जहर, यानी कि पॉइजन। इसका जहर आसानी से किसी को भी मार सकता है। इसमें जब प्रोफेसर नागमणि ने के बॉडी के कोष को देखा था, कोष मतलब सेल, ठीक है, प्रोफेसर नागमणि ने ये नोटिस किया कि उसके सेल में छोटे छोटे नाग है। सोच लो इसका जहर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। हेलो, अब मुझे ये कमेंट में जरूर बताना कि नागराज के मूवी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो यार ये था आज का वीडियो। अब इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।